देश प्रदेश में शक्ति भक्ति का पर्व शारदीय नवरात्रि की धूम नजर आ रही है। नौ दिन घरों मंदिरों में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जा रही है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघटा स्वरूप की पूजा का विधान है। मां चंद्रघटा सिंह की सवारी करती है। मां के मस्तक पर घंटा के आकार का अर्ध चंद्र होता है, इसलिए उनका नाम है चंद्रघटा। सफेद चीज का भोग जैसे दूध या खीर का लगाना भोग चाहिए, ये कहा जाता है। देश प्रदेश में गांव गली मोहल्ले में माता रानी के दरबार सजे हुए नजर आ रहे हैं और जिन जिन लोगों ने मंदिरों में पहुंचकर आशीर्वाद लिया है माता का, वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। वो भक्त जिन्होंने अपने घर घट स्थापना की है, वो घरों से लेकर मंदिरों तक पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। तो चलिए आज आपको लेकर चलेंगे माउंट आबू और कोटा, वहां के मंदिरों की क्या तस्वीर नजर आ रही है, वहां के श्रद्धालुओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है। माउंट आबू से कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कोटा से भंवर एस चारण है। चलिए सबसे पहले आपको कोटा लेकर जाते हैं। भंवर, आपके पास क्या जानकारी है, अभी आप कौन से मंदिर में मौजूद है, कितना उत्साह आज नवरात्रि के तीसरे दिन नजर आ रहा है भक्तों में? देखिए, कोटा और कोटा अंचल में जो भी देवी और माँ भगवती के मंदिर हैं, चाहे अभेड़ा करणी माता मंदिर की बात करें, डाट देवी माता मंदिर की बात करें, जगत माता मंदिर हो, चाहे शीतला माता मंदिर हो, सभी मंदिरों में विशिष्ट आयोजन हो रहे हैं और नवरात्रि के उत्साह पर माँ भगवती के पूजन अर्चन और विशेष हवन कुंड यज्ञ का जो है वो लगातार दौर चल रहा है। लेकिन मैं पूनम नव दुर्गा माता जी मंदिर में फिलहाल मौजूद हूँ और देखिए आज जो माता जी का स्वरूप है, जिसकी पूजा हो रही है, वो स्वरूप कैसा है, यह मैं आपको और सभी दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। देखिए, नवरात्रों की जो शुरुआत होती है वो मां के शैलपुत्री स्वरूप के पूजन के साथ होती है और दूसरे दिन माता जी के जो ब्रह्मचारिणी स्वरूप है उसका पूजन होता है। शैलपुत्री प्रथम च ब्रह्मचारिणी द्वितीयम तृतीय चंद्रघंटा च कुष्मांडा चतुर्थकम। तो आज जो तीसरा दिन है नवरात्रि का, आज माँ के चंद्रघटा स्वरूप का पूजन होता है। तो माँ का चंद्रघटा स्वरूप कैसा होता है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये माँ के चंद्रघटा स्वरूप की मूर्ति है। इस मूर्ति की खास बात ये होती है कि ये चंद्रघटा स्वरूप में होती है और ये माँ का सात्विक स्वरूप है। हाथ में आप देखिए फूल ले रखा है। तो आज जो माँ का चंद्रघटा स्वरूप है उनकी पूजा हो रही है और कल जो माता का कुष्मुंडा रूप है उनकी पूजा होगी। देखिए, चंद्रघटा माता जी की एक विशेष आरती भी होती है, वो आरती भी यहाँ पर रखी हुई है। लेकिन मंदिर में नवरात्रि का किस तरह का उत्साह है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये नवदुर्गा माता जी है जिनके सामने विशेष श्रृंगार हुआ है, चांदी के छत्र हैं, फल फूल मिष्ठान माँ भगवती को चढ़ाए गए हैं और घट स्थापना के बाद लगातार नौ दिन ये पूजा का दौर चलने वाला है। पंडित जी से आपकी बात कराने की कोशिश करता हूँ। पंडित जी, इस बार का शारदीय नवरात्र किस तरह के मुहूर्त में आ रहा है और किस तरह के खास आयोजन मंदिरों में कर रहे हैं आप लोग? यहाँ हमारे यहाँ पर माता की घट पहले अभिषेक हुआ, अभिषेक के बाद फिर घट स्थापना हुई, घट स्थापना के बाद भक्तों का महाआरती हुई और प्रतिदिन कीर्तन होता है माता का और रात को भजन संध्या भी चलती है और फिर शयन आरती और माता की पांच टाइम आरती होती है। यानी कि आने वाले पूरे बस यही उत्साह नजर आएगा। भंवर, आप बातचीत को जारी रखिएगा, मैं आपसे एक बार फिर से बातचीत करूंगी। जयपुर से शिवांगी भी हमारे साथ जुड़ गई है। शिवांगी, मैं आपके पास आऊंगी लेकिन सबसे पहले माउंट आबू का रुख कर लेते हैं। कमलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, आप कौन से मंदिर पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें आपको नजर आ रही है, कितना उत्साह भक्तों में आज नजर आ रहा है? देखिए शिवांगी, नवरात्र में माता की पूजा का अर्चन का जो महत्व है बढ़ जाता है और शारदीय नवरात्र के अवसर पर मंदिरों में जो जन समूह है वो देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु यहां पर पहुंचकर माता की आराधना कर रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं अधर देवी मंदिर पर। आप देखिए, जो मंदिर के जो अंदर जो गुफा का जो प्रवेश द्वार है वहां पर जो है श्रद्धालुओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है और श्रद्धालु यहां पर आकर माँ का जो स्वरूप है उसकी जो पूजा अर्चना है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज के दिन यहां पर जो महत्व है कह सकते हैं कि जो इस मंदिर की जो खासियत है, उस मंदिर की खासियत की बात करें पूनम, तो यहाँ पर माता जी के अधर गिरे थे, इसकी वजह से इसे अधर देवी माता के मंदिर के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। तो तमाम जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुंचे, बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए आप लोग? हम सूरत से आए। आज नवरात्र पर दर्शन किए, कैसा लगा? एकदम अच्छा लगा। अच्छा लगा। देखिए, मेरे साथ यहाँ पर महिला श्रद्धालु भी, इनसे बात करेंगे। मैडम, इतने दूर से आप दर्शन, क्या मन के अंदर मुराद थी और कैसे देखते हैं इस मंदिर को? अच्छा लगा हमको। अच्छा लगा। क्या मांगा माता से?
वो मन की बात थोड़ी ना किसी को बता सकते हैं। मन की बात नहीं की जाती है, लेकिन जो श्रद्धालुओं के जो यहाँ पहुँचने का जो क्रम है वो यहाँ पर जारी है। चाहे बात करें छोटे बच्चे हों या बड़े हों, तमाम जो श्रद्धालु है, आप देखिए जो तस्वीरों के अंदर है, श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं और माता की जो आराधना है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आज के दिन यहाँ पर खास करके माउंट आबू का ये जो मंदिर है, अरावली के जो सुरम में जो वादियां हैं, इन वादियों के बीच यहाँ पर दर्शन करते हैं। मेरे साथ है, सर कहाँ से आए आप? माउंट आबू से आए। कैसे हर बार आते हैं? हर बार नौ दिन कंटिन्यू आते हैं। कैसा मंदिर में कैसा माहौल और भक्त कितने आ रहे हैं? बहुत भक्त आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो ये तमाम जो लोग हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो ये तमाम जो श्रद्धालु है पूनम, यहाँ पर आकर जो माँ की जो आराधना करने का जो फल है वो जरूर मिलता है। तो माउंट आबू का ये जो मंदिर है, इस मंदिर के विस्तार से की बात करें तो स्कंद पुराण के अर्बुद खंड में इस मंदिर का यहाँ पर उल्लेख किया गया। ऐसा कहते हैं कि 52 जो शक्तिपीठ है, कहीं ना कहीं उसमें से एक शक्तिपीठ ये भी गिना जाता है जहाँ पर माता के अधर गिरे थे और यहाँ पर अधर की पूजा और यंत्र की पूजा की जाए। हालांकि हम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी यहाँ पर बैन कर रखी है, लेकिन जो मंदिर के अंदर जो श्रद्धालु पहुंचकर जो उनकी जो श्रद्धा है वो देखने को मिलती है। तमाम यहाँ भाव है जब वो दर्शन करके लौट रहे हैं, उनके चेहरे पर वो ओज जो है वो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो श्रद्धा होती है, ये जो भक्ति होती है, ये भाव से हम अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, आपसे चर्चा को जारी रखेंगे, जयपुर का भी रुक कर लेते हैं। शिवांगी हमारे साथ बनी हुई है, कमलेश। शिवांगी, आज आप कौन से मंदिर पर मौजूद हैं? आज आपको क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है।